सो फ्रेंड्स एमबीएसडी टू थाउजेंड ट्वेंटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है देन यू शुड भी अवेयर अबाउट द स्टैट्स ऑफ मुंबई इंडियंस इन आईपीएल टू थाउजेंडी टू आईपीएल दिस सीजन जो चैंपियंस है काफी पीछे रह चुके हैं ओके एंड बट वन थिंग वो अभी तक खेलना नहीं भूले सो सेम मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए गाइज देखो आपने ग्रेजुएशन में कितना भी स्कोर किया हो काफी अच्छे किए हो या यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हो लेकिन इंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के समय आप ऑब्वियसली डिमोटिवेट हो जाओगे जो आपका प्रिपरेशन लेवल है ये काफी अलग होता है और यहां प्रिपरेशन अगर आपने नहीं किया डेफिनेटली मॉक में आपका उतना स्कोर नहीं होगा सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज योर कि आप कितने पानी में हो और कहां तक आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है सो वन मैच अगेंस्ट द राजस्थान रॉयल्स और वहां मुंबई इंडियंस ने अपने आप को यह दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है एंड वाई क्योंकि उन्होंने अपने वीकनेस को पहचाना है सो गाइज वीकनेस पर काम करना बहुत जरूरी है जो भी टॉपिक्स रिस्पेक्टिव सेक्शंस आपके वीक जोन के अंदर आते हैं देन डेफिनेटली आपको वहां मेहनत करने की बहुत जरूरत है देखो स्ट्रांग जोन ऑब्वियसली आपका कोई भी स्ट्रांग जोन है तो उसे कोई छीन नहीं सकता और उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता अगर आप यहाँ स्ट्रांग हो आपको वहां कोई पीछे नहीं कर सकता लेकिन यस वीकनेस गाइस वहां जरूर टारगेट होने वाला है सो so, सेम कब पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा हो रहा है भाई मॉक दे दे तेरे को सब पता चलेगा कि प्रिपरेशन कैसा करना है सो वंस यू विल गिव द मॉक और एट मॉक मुंबई इंडियंस ने दे दिए वहां मॉक में उनको सब कुछ पता चल गया कि हमारी कमजोरी क्या क्या रह चुकी है एंड डेफिनेटली देन इन द नाइन्थ मैच दे गॉट विन सो हाउ टू एनालाइज एंड विच आर ऑल दोज वीक सेक्शंस और उनमें आपको कितना स्कोर करना है गाइस

जो भी डाउट्स है कैपराउंडेरिया एंड इंस्टीट्यूट इन्क्लूस उनकी प्रिपरेशन भी आपको मिलने वाले गाइज सो लेट्स अबाउट वेर एक्जैक्टलीज मी ओके आप अपने प्रिपरेशन पे कहा तक हो गाइज यू गिव मॉक टेस्ट ओके वन पर्टिकुलर मॉक देन आफ्टर आफ्टर थर्ड आपको कॉन्जिक्यूटिवली मॉक टेस्ट देते रहना है फर्स्ट मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हो यहाँ आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको आगे प्रिपरेशन कितना करना है देन सेकेंड थोड़ा सा चांसेस है कि आपका स्कोर यहाँ सुधर सकता है लेकिन फाइव टू टेन मार्क्स का इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दे थर्ड मॉक टेस्ट वंस यू विल गिव द एंड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट और एंड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी पोर्टल पर मिल जाएंगे गाइज डोंट वरी अबाउट दैट आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा एंड वंस जितने सारे मॉक टेस्ट दे दोगे कंप्लीट आइडिया आ जाएगी कि प्रिपरेशन करना कैसे है और टाइम कैसे मैनेज करना है ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग 75 फाइव क्वेश्चन एब्स्रैक्ट ट्वेंटी फाइव क्वानिटी एफ्टीट्यूड फिफ्टी एंड वोबेबिलिटी फिफ्टी क्वेश्चन ओवरऑल टू हंड्रेड क्वेश्चन आपके पास और यहाँ से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो फर्स्ट मॉक टेस्ट डेफिनेटली आप गाइस फिफ्टी टू फोर्टी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी क्वेश्चन आप ईजीली सॉल्व करोगे और वहाँ आपका स्कोर भी फिफ्टी प्लस तक ही आने वाला है इससे ज्यादा नहीं आने वाला राइट right? वाई बिकॉज यहाँ इफ क्वांट इज योर स्ट्रांग जोन देन डेफिनेटली आप क्वांट में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे बट लॉजिकल रीजनिंग एब्सट्रैक्ट रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी यहाँ आप ठहर जाओगे यहाँ आपसे स्कोर नहीं हो पाएगा सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर वीक जोन्स जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे यहाँ आपको आपकी कंप्लीट वीकनेस का पता चलने वाला है और जैसे ही वीकनेस का पता चलने वाला है देन अगेन प्रिपरेशन करना है और उसके बाद आपका स्कोर जो है वो बढ़ाना है 25 टू 50 आप इजीली अचीव कर सकते हो गाइस 50 परसेंट तक लेकिन 50 परसेंट से 60 यहाँ आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे जाना है सेवेंटी टू एटी परसेंट है एटी परसेंट एक्यूरेसी रखोगे ओके डेफिनेटली गाइज आप इजीली काफी अच्छा स्कोर करोगे वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी फाइव प्लस स्कोर करोगे डेफिनेटली गाइज जेबीआईएस में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता यस सो हाउ टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस बाय गिविंग द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट और जैसे ही आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉक टेस्ट दोगे गाइज ट्वेंटी आपके मार्क्स आने वाले लाइक लॉजिकल रीजनिंग आप स्कोर करने वाले ओनली फिफ्टीन टू सेवेंटी क्वेश्चन बस इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एब्रैक्ट रीजनिंग ऑल्दो यहाँ और कम हो जाएगा आपका सेवन टू एट क्वेश्चन एंड यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लाइक ट्वेल्व क्वेश्चन सेयर एंड ट्वेल्व क्वेश्चन ईयर सो आफ्टर गेटिंग दीज फिफ्टी गाइज डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन है वो इतना नहीं किया है ओके मुंबई इंडियंस की जर्नी देख लो गाइज आई पी में या फिर इसके पहले के जो पास्ट स्टैट्स है वो भी देख लो फर्स्ट फाइव मैचेस कोई जीत नहीं कोई खुशी नहीं लेकिन उसके बाद बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक विन और फाइनली चैंपियंस और वो चैंपियंस आज ढेर हो चुके हैं क्यों क्योंकि उन्होंने वीकनेस अपनी स्ट्रांग नहीं बनाई है वीकनेस आइडेंटिफाई तो हो चुकी है सो द मोटो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज आप अपनी वीकनेस को पहले पहचानो जैसे मुंबई इंडियंस ने आठ मैच में अपनी वीकनेस को पूरा देख लिया है नाइन्थ मैच में उनको विन मिली है जाके और तभी वो बोल रहा है भाई मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरत है क्योंकि आपको वीकनेस का पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर कर पाओगे सो वंस फिफ्टी स्कोर यहाँ डिम डिमोटिवेट नहीं होना है अगेन मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है प्रिपरेशन पर ध्यान देना है आपकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी पंद्रह क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हो डेफिनेटली गाइस थर्टी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे उसके बाद एपस्ट्राक रीजनिंग 12 क्वेश्चन 25 फ्रॉम क्वांट 25 फ्रॉम रीडिंग कॉम्पिटिशन एंड डेफिनेटली यहाँ आपका जो स्कोर हो जाएगा 92 टू प्लस फिफ्टी से 92 टू डायरेक्ट आप जंप जंपारोगे लेकिन 92 के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ 30 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए ट्राई टू स्को 40 टू 42 टू क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन सॉल्व करने का ओके फिफ्टीन क्वेश्चन इजिली यहाँ सॉल्व कर लोगे थर्टी क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट एंड थर्टी फ्रॉम वर्बल एबिलिटी हो गया आपका स्कोर यहाँ हंड्रेड एंड फिफ्टीन प्लस अब हंड्रेड एंड फिफ्टीन प्लस यहाँ आप आ गए नाइन्टी नाइन परसेंटाइल के ऊपर सब बेस्ट कॉलेजेस आपको मिलेगी टॉप कॉलेजेस तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहाँ के लिए आपको 99.9 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स लाने हैं और उसके लिए आपको क्या करना है वापस आपको ट्रिगर करना है 60 टू 70 परसेंट एक्यूरेसी तक वहाँ जाना है यहाँ 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आप इजीली कर सकते हो गाइज यहाँ आपको टाइम लगने वाला है सी यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगाए यहाँ आपको टाइम लगाए लेकिन यहाँ से यहाँ कुछ फर्क नहीं है इस ऑनली फोर्टी टू आप सॉल्व कर रहे हो उससे फोर्टी करना है थ्री क्वेश्चन ऐड कर लो इसमें फिफ्टीन यहाँ कर, कर लो सेवेंटी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लो थर्टी थर्टी का थर्टी फाइव बना दो यहाँ भी थर्टी का थर्टी फाइव बना दो हो गया आपका स्कोर वन थर्टी टू प्लस ईजीली ईजीली आप अच्छा स्कोर अचीव कर रहे हो राइट right? और यहाँ आपको नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंटाइज से होने से कोई नहीं रोक सकता राइट right? लेकिन अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में टॉपर का स्कोर आता है अराउंड वन सेवेंटी और वो होता है अराउंड हंड्रेड परसेंटाइजिनेटली गाइज वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी फाइव प्लस का स्कोर आपको अचीव करना ही है यहाँ राइट right? 55 फाइव क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व करना है और ये गाइज यहां आपको ज्यादा मेहनत लगने वाली है सो so, आपको क्या करना है इस येलो जोन से बाहर नहीं निकलना है गाइज इस येलो जोन से अगर आप इस तरफ चले जाते हो काफी अच्छी बात है लेकिन यहां तो बिल्कुल आना ही नहीं है ओके okay? यहां बिल्कुल आना नहीं है गाइज यहां आ गए बस मैं तो गारंटी दे दो आपको टॉप कोई कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग वन लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाउ इज द फिगर ओके गाइस वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओके सो सेवेंटीन क्वेश्चन को आप बना सकते हो अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन और यहाँ आप माइनस कर सकते हो फोर्टी और फोर्टी क्वेश्चन ईजिल आप वन फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव प्लस का स्कोर अचीव कर लोगे लेकिन आपको क्या करना है दिस येलो जोन इसके बीच में रहना है काफी देर तक और प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करते रहना है ओके okay? बस उसके बाद ट्रिगर करना है एक लास्ट अटेम्प्ट जो कि आपके थ्री टू फोर मार्क्स होंगे और वहां आपको स्कोर लाना है 152, फिफ्टी टू वन प्लस यस गाइस ऐसे आप टॉपर बनोगे सो so, अभी भी कुछ डाउट है गाइस देन आस्क मी इन दिलो कमेंट सेक्शन और आपको लगता है कि और कुछ ट्रेटेजी वाले वीडियोस आने चाहिए देन अगेन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स विल मेक अनदर वीडियो सून ओके गाइस सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्लासरूम कोचिंग कोचिंगी ऑलरेडी स्टार्टेड एट मुंबई कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर एंड बुक योर सीट फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोफिकेशन फॉर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज एज्यूब फेसबुक इंस्टा एंड यू कैन सू जो अवर टेलीग्राम ग्रुप दैट्स ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर सी ओन द नेक्स्ट वीडियो